please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के पटना से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे चंद्रमोहन कुमार। पटना के एक शेल्टर होम की दो लड़कियों की मौत हो गई है। दोनों लड़कियों की मौत की जानकारी पुलिस को देर से दी गई। दोनों लड़कियों को पटना मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत बताया। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुका है। चंद्रमोहन, मौत के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे घटना सामने आने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची है जांच के लिए, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इन दोनों लड़कियों की मौत कैसे हुई। हालांकि पुलिस ये जरूर कह रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और ये मौत कल हुई थी और आज सुबह में पुलिस को जानकारी बाद इस सेंटर में पहुंची है पुलिस पूछताछ के लिए। और आज से दो दिन पहले यानी शुक्रवार को यहीं से चार लड़कियों के भागने की बात सामने आई थी, जब पुलिस वहां पर पहुंचकर और सर्च की थी, वहां पर पूछताछ किया गया था और वहां पर दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। ऐसे में जब कल लड़कियों की हालत खराब हुई सेंटर के लोगों का कहना है और उसके बाद भी पुलिस को जानकारी नहीं दी गई, और आज जब पुलिस को यह पता चला कि दोनों लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसके बाद जांच के लिए वहां पहुंची है, तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जो है ना संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और अभी वहां के जो ऑनर हैं वो फरार नजर आ रहे हैं, तो पुलिस जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि आखिर इस मौत के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों लड़कियों की मौत पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। मौत सवालों के घेरे में। इससे पहले चंद्रमोहन, मुजफ्फरपुर का मामला ठंडा नहीं पड़ा है। सीबीआई जांच कर रही है उसकी, कल दोबारा खुदाई हुई थी उसी जगह की, पूछताछ हो रही है, मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सरकार बार बार दावे कर रही, नीतीश कुमार बार बार ये दावे कर रहे हैं, हमने तमाम शेल्टर होम्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सबको कहा है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। चंद्रमोहन, मेरी आवाज अब तक आ रही है? सवाल दो रहे हैं। चंद्रमोहन, सवाल सीधा सा है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि तमाम, क्योंकि मुजफ्फरपुर की घटना भी ठंडी नहीं पड़ी है, सीबीआई जांच कर रही है उस मामले में, मुख्यमंत्री ये तक कह चुके हैं कि तमाम जो शेल्टर होम्स है पूरे बिहार में वहां की जांच की जा रही है, बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला सामने आया है उसके बाद पूरा समाज कल्याण विभाग जो एनजीओ को शेल्टर होम में लड़कियों को और महिलाओं के लिए रहने के लिए देती है, वो भी पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। हालांकि जब से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसके बाद समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी सवालों के घेरे में हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें ऊपर अधिकारी से लेकर और नीचे तक कई लोग हैं जो पूरी तरह से संदिग्ध परिस्थिति में है और वो लोग कई दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहे। ऐसे में यहाँ पर पटना में एक शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, जाहिर तौर पर पूरे समाज कल्याण विभाग से लेकर शेल्टर होम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और राज्य सरकार भी सवालों के घेरे में है। नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। अगली खबर हरियाणा से, जहां गुरुग्राम में शराबियों के सामने पुलिस लाचार नजर आई। यहां के एमजी रोड में एक बार फिर शराबियों ने जमकर हंगामा काटा, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय तमाशा देखती रही। आधा दर्जन के करीब शराबी आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक हंगामा करते रहे, लेकिन मौके से महज 50 मीटर की दूरी पर खड़ी पीसीआर वैन में तैनात पुलिस कर्मी सिर्फ तमाशा ही देखते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआईए को दिए इंटरव्यू में विपक्ष के एक आरोप का जवाब दिया। उन्होंने असम में एनआरसी से लेकर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तक पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि एनआरसी की वजह से भारत का एक भी नागरिक देश नहीं छोड़ेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के गले लगने पर भी तंज कसा, साथ ही जीएसटी को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और भीड़ की हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह की एक भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी को राजनीति से ऊपर उठकर समाज में शांति और एकता के लिए सोचना होगा। मैं और मेरी पार्टी इस तरह की घटनाओं और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को साफ शब्दों में अपना रुख साफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरसी के मुद्दे पर भी कहा कि जिन लोगों का खुद पर से भरोसा उठ गया है, जिन्हें जनता का समर्थन नहीं मिलने का डर है और जिन्हें हमारी संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, वो सिविल वॉर, ब्लड बाथ, देश के टुकड़े टुकड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साफ है कि वो देश की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। जहां तक बात रही एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी की चिंता की, तो उन्हें याद करना चाहिए कि उन्होंने 2005 में संसद में क्या कहा था। क्या वो ममता जी सही थी या फिर ये ममता जी सही हैं? कांग्रेस भी एनआरसी पर राजनीति कर रही है,
मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत में भारत के किसी भी नागरिक को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। यह हम सब के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये राष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है। यदि हमने समय रहते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक जम्मू कश्मीर में आग हम बुझा नहीं पाए, 10 जगह और आग लग जाए। इसलिए इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीतिक ओछी बातें नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन को प्रधानमंत्री ने वंशवाद का साथ करार दिया है। कहा है कि महागठबंधन के असली चरित्र को समझना होगा कि उनकी विचारधारा कोई भी नहीं बल्कि ये खुद को जिंदा रखने की कोशिश है। महागठबंधन जनता की उम्मीदों के लिए नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए है। महागठबंधन जनादेश के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से ताकत दिखाने की राजनीति है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो चुनावों के बाद अलग अलग हो जाएंगे या फिर पहले ही। हमने तो 43 राजनीति दलों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं जगह जगह पर। आपकी अकेले की कहीं सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी अकेले की सरकार नहीं। हमारा तो महागठबंधन अभी बना नहीं है, बन जाएगा और उसको ना बने इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं देश को, राष्ट्र को, उनसे बात उचित नहीं है। संसद में राहुल गांधी के गले लगने पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि ये आपको तय करना है कि वो बचकानी हरकत थी या नहीं, और अगर आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आंख मचकाने को देख लें और आपको जवाब मिल जाएगा। मैं एक कामदार हूं और इस देश के नामदारों से मेरी तुलना नहीं की जा सकती। वो तय करते हैं कि किससे नफरत करनी है, कब नफरत करनी है और किसे प्यार करना है, कैसे जताना है। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राहुल गांधी वहां पहुंचकर एक बस में सवार हुए और 13 किलोमीटर लंबा रोड शो किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लेकर शामिल हुए। इस दौरान रोड शो में शामिल कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाते रहे। सुरक्षा के लिहाज से राहुल गांधी को खुली बस में रोड शो करने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन वो हाथ हिलाकर लगातार कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते रहे। कांग्रेस के लिए ये जयपुर के अंदर एक बड़ा बूस्ट है, बड़ी शुरुआत है। एयरपोर्ट से रामलीला मैदान तक निकाले गए 13 किलोमीटर लंबे रोड शो में कई जगहों पर कांग्रेस समर्थकों ने राहुल गांधी की बस पर फूल बरसाए, जबकि कई कार्यकर्ता राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए उनकी बस के साथ सड़क पर दौड़ते दिखे। जिसके बाद राहुल गांधी का रोड शो रामलीला मैदान पहुंचकर खत्म हुआ, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा के गढ़ में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत की और इसी बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। और सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला, साथ ही पीएम पर संसद में आंख मिलाकर बात नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी की आंख मेरे आंख में एक बार भी नहीं आई, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने राफेल में भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके और महिला सुरक्षा समेत किसानों की आत्महत्या जैसे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं प्रधानमंत्री पर किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर चुप्पी साध लेने का आरोप लगाया। किसान रोता है, चिल्लाता है, मरता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जीएसटी की नीतियों को भी गलत बताया और कांग्रेस की सरकार बनने पर जीएसटी में बदलाव करके महंगाई कम करने का वादा कर दिया। वहीं राहुल गांधी ने अपने जयपुर दौरे में राजस्थान कांग्रेस के बीच गुटबाजी को मिटाने की भी कोशिश की, तो वहीं टिकट बांटने के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साधने की भी कोशिश की। और राजस्थान के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपने संबोधन में टिकट बंटवारे का मुद्दा उठाया और उसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह देने का दावा किया। एक भी पैराशूट वाला कैंडिडेट टिकट नहीं ले पाएगा, जैसे ही वो ऊपर से पैराशूट लेके जंप करेंगे मैं पैराशूट के जो धागा होता है उसको काट दूंगा। अपना संबोधन खत्म करने के बाद राहुल गांधी ने अचानक ही उनके अगल बगल खड़े सचिन पायलट और अशोक गहलोत को आपस में गले मिलवा दिया और इस इशारे के जरिए दोनों को चुनाव के दौरान साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करने का संदेश भी दे दिया। राजस्थान में 2013 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 200 में से महज 21 सीटें मिली थी, जबकि जयपुर शहर की एक भी विधानसभा सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन 3 महीने पहले ही हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद बंध गई।
जिसके लिए कांग्रेस हर तरह से आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश में जुट गई है, जिसमें पार्टी हिंदुओं को लेकर अपनी छवि सुधारने की भी कोशिश कर रही है। यही वजह रही कि राहुल गांधी अपनी सभा को संबोधित करने के बाद जयपुर के गोविंद देव मंदिर पहुंचे। राधा कृष्ण के इस जाने माने मंदिर में उन्होंने करीब 15 मिनट तक पूजा की। मंदिर की परंपरा के अनुसार यहां राहुल गांधी को मंदिर प्रबंधन की ओर से एक पगड़ी पहनाई गई, जिसे उन्होंने जल्द ही उतार दिया। राहुल के मंदिर दौरे को कांग्रेस की धार्मिक छवि को सुधारने की कोशिश माना जा रहा है। राजस्थान के अंदर चुनाव अभियान की कांग्रेस ने शुरुआत की है, उसके साथ में मंदिर दर्शन राहुल गांधी कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने मंदिर से ही चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, जहां कम सीटें मिलने के बाद भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। लिहाजा राजस्थान में भी राहुल गांधी भगवान की शरण में पहुंच गए। वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपनी गौरव यात्रा की शुरुआत एक मंदिर से ही की थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में आदिवासी लड़कियों के साथ रेप और छेड़छाड़ के मामले में सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी छात्रावास का मालिक आरोपी अश्विनी शर्मा मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का भी करीबी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने आरोप लगाया है कि उनके हाथ YouTube पर डाला गया एक वीडियो लगा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अश्विनी को आशीर्वाद देते हुए और उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक ये वीडियो उस वक्त का है जब उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद लगे राहत शिविर में अश्विनी शर्मा भी गया था और मुख्यमंत्री ने उसी दौरान उसे बाकायदा सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी है। उनका एक वीडियो हमको मिला किसी और अकाउंट से, जहां मुख्यमंत्री के वो पैर छूते और मुख्यमंत्री उनको आशीर्वाद देते साफ नजर आ रहे हैं। ये किस्सा ठीक मुजफ्फरपुर और देवरी जैसा है, जहां आरोपी दरिंदे सत्ता पक्ष के करीब हैं और इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है। कानून के ऊपर उन्होंने अपने को समझा और मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की। हमारा ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और यदि ऐसी कोई बात होती तो इतनी तत्परता के साथ कार्रवाई कैसे होती। हमने तो कार्रवाई की। ऐसे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी होगा उसको जेल के में शिक्षों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जम्मू के उधमपुर में हाईवे पर पत्थर गिरने से रास्ता जाम हो गया। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से कई बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी, जिसके बाद हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं मशीनों की मदद से चट्टानों को हटाने का काम जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चट्टान गिरने की वजह से रास्ता जाम हो गया और ये मेन सड़क पर चट्टान गिरी है, जिसके बाद हाईवे पर ही वाहनों की लंबी कतारें वहां पर लग गई। हालांकि रास्ता ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस लंबे जाम को ठीक किया जा सके, वाहनों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है वहां पर इस चट्टान को हटाने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए, लेकिन कोशिशें यही की जा रही है कि जल्द से जल्द रास्ते को क्लियर किया जाए ताकि वहां पर आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने केरल में काफी तबाही मचाई है। केरल के वायनाड जिले में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे कई गांव वालों को बचा लिया है, जबकि इडुक्की बांध में जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। राज्य में अब तक इस मॉनसून सीजन में सबसे ज्यादा 178 लोगों की मौत की खबर आई है। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले दो दिन में केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत 16 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। 7 राज्यों में हुई भारी बारिश की वजह से इस साल मॉनसून में 718 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश से 171, पश्चिम बंगाल से 170, केरल में 178 और महाराष्ट्र में 139 लोगों की जान गई है, जबकि केरल में 26, पश्चिम बंगाल में 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो अगले 48 घंटों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई है, लेकिन साथ ही साथ दो तस्वीरें, वायनाड की तस्वीर और दूसरी तस्वीर इडुकी की, जहां पर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद परसों ये पानी छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो पानी रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ रहा है, जहां पर तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं।
केरल में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में एक शख्स बच्चे को गोद में लिए हुए दिख रहा है और वो भागते हुए पुल को पार कर रहा है। इससे पहले कि तेज लहरें उसे बाढ़ के साथ वहां से बाहर ले जाती, वो पुल पार करने में कामयाब रहा। इस वीडियो को न्यूज 18 इंडिया ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इडुकी बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से चरधोनी नदी में पानी बढ़ गया। वीडियो में बच्चे को गोद में लेकर भागने वाला शख्स एनडीआरएफ का जवान है जिसका नाम कन्हैया कुमार है। बिहार का रहने वाला यह जवान है कन्हैया। जिस बच्चे को लेकर जा रहा है उसे तेज बुखार था जिसे बाद में अस्पताल भर्ती करवाया गया। मिशन में मेरा 6 साल का अनुभव था, ट्रेनिंग दी गई थी तो मैंने 6 साल अनुभव का जो किया आज तक, मैंने हर सिचुएशन में गया, हर घटनास्थल पर गए तो मैं उस सिचुएशन को भाप लिया था कि मैं जो हो इस बच्चे को मैं इस रिवर से पार करके सुरक्षित स्थान पर ला करके प्राथमिक उपचार के लिए मैं मदद कर सकता हूँ और मैंने वही किया।